हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्नर्स एकेडमी। प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको VBA यूज़र फॉर्म में यूज़ होने वाले सभी कंट्रोल्स की इन्फॉर्मेशन दी। वन बाय वन हमने सीखा कैसे हम इन कंट्रोल्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे इनकी कोडिंग होगी और क्या क्या इनकी एडवांटेजेस है। और अब वो टाइम आ गया है जब इन कंट्रोल्स को हम एक्चुअल में अपने VBA फॉर्म में यूज़ करेंगे और उसकी हेल्प से एक फॉर्म को डिज़ाइन करेंगे। तो आज की वीडियो में मैं डिज़ाइन करने वाली हूँ लॉगिन पासवर्ड का फॉर्म, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल्स को यूज़ करेंगे और इस फॉर्म को क्रिएट करेंगे। देखिए, यहाँ पे अभी मेरे पास एक ब्लैंक वर्कबुक है और इस वर्कबुक के ऊपर मैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड का फॉर्म क्रिएट करूँगी। तो आप एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने एक बिल्कुल ही ब्लैंक शीट ली है और मैं यहाँ पे जो फॉर्म क्रिएट करूँगी उसकी हेल्प से क्या होगा कि अगर आपके पास कोई ऐसी शीट है जिसमें आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेटा पड़ा हुआ है और आप चाहते हैं कि कोई भी अनऑथराइज्ड यूज़र आके उस डेटा को यूज़ ना करे, तो आप उसके ऊपर लॉगिन आईडी और पासवर्ड का फॉर्म लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डिज़ाइनिंग करनी होगी फॉर्म की। तो मैं जाऊंगी डेवलपर टैब में और यहाँ से सिलेक्ट करूंगी विजुअल बेसिक और इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ से यूज़र फॉर्म। तो यूज़र फॉर्म आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लेबल लगाऊंगी लॉगिन आईडी का, इसका हम यहाँ से कैप्शन चेंज कर लेते हैं। सेकंड जो मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ वो होगा पासवर्ड का, छोटा कर लेते हैं और इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ और इसका भी हम कैप्शन चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम रखते हैं पासवर्ड। अब लॉगिन आईडी आपने फिल करना है तो उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी टेक्स्ट बॉक्स की। तो मेरा फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स है तो मैंने कॉपी किया और पासवर्ड के लिए भी हम यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स लगा लेते हैं। तो अभी तक मैंने अपने फॉर्म में दो लेबल्स एंड दो टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लिए हैं। एक आपके पास लॉगिन बटन होगा तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी कमांड बटन की। तो आप यहाँ से यूज़ करेंगे कमांड बटन को। और इसका हम कैप्शन चेंज कर लेंगे। ये तो हो गया हमारा डिज़ाइनिंग पार्ट। अगर आप इसमें थोड़े बहुत चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे आप यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फॉन्ट में जाएंगे तो इस तरह से हम पासवर्ड का भी फॉन्ट चेंज कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर देते हैं और 14 इसका साइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं तो इस तरह से। तो देखिए, ये तो हमारी जनरल सेटिंग्स हो गई हैं जो हमने डिज़ाइनिंग के टाइम पे की हैं। अब जब आप लॉगिन आईडी फिल करेंगे तो वो तो विजिबल होगा सभी को, लेकिन पासवर्ड हमारा मोस्टली आपने देखा होगा स्टार स्टार की फॉर्म में आता है। आप अपना पासवर्ड किसी को अगर नहीं शो करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स 2 पे क्लिक करेंगे जहाँ पे हमने पासवर्ड को फिल करना है। प्रॉपर्टी विंडो में जाएंगे और नीचे चल के आपको एक ऑप्शन मिलेगी, तो आप देख सकते हैं पासवर्ड कैर, तो यहाँ पे आप फिल करेंगे स्टार। शिफ्ट के साथ 8 न्यूमेरिक की प्रेस करेंगे तो स्टार आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने स्टार कर दिया है। तो जब भी मैं यहाँ पे पासवर्ड फिल करूँगी वो किस फॉर्म में आपको विजिबल होगा, स्टार स्टार की फॉर्म में विजिबल होगा। तो अब हमारे डिज़ाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब हम स्विच करते हैं अपने कोडिंग की तरफ।
तो सबसे पहले मैं अपने लॉगिन बटन की कोडिंग करूंगी कि जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूं तो क्या होगा। तो मैंने डबल क्लिक किया। देखिए, सबसे पहले तो हम अपने टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यूज़ देना चाहते हैं वो चेक करेंगे। अगर दोनों वैल्यूज़ हमने ट्रू दी हैं, लॉगिन आईडी भी हमने सही दिया है, पासवर्ड भी सही दिया है, तभी हमारी जो एक्सेल की शीट है वो ओपन हो। अदरवाइज़ आपकी एक्सेल की शीट ओपन ना हो। तो उसके लिए मैं कोडिंग लिखने जा रही हूँ। इफ टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट, अगर मेरे टेक्स्ट बॉक्स वन में जो टेक्स्ट है वो किसके इक्वल है, अब मैं यहाँ पे लॉगिन मुझे आईडी देना है तो अभी मैं लिख देती हूँ उसके लिए एडमिन एंड। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस चेक होंगी, टेक्स्ट बॉक्स वन का भी टेक्स्ट चेक होगा और टेक्स्ट बॉक्स टू का भी टेक्स्ट जो है वो चेक होगा। टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आपको पासवर्ड देना है। तो ये मैंने अपना पासवर्ड दे दिया है। अगर ये दोनों वैल्यू सही हैं तो हमने क्या करना है, हमारी जो एप्लीकेशन है मीन्स हमारी जो एक्सेल की शीट है वो क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो हम यहाँ पे करेंगे ट्रू। और एक काम आपने और करना है कि हमारा ये जो VBF फॉर्म दिखाई देगा वो हमने क्या कर देना है, हाइड कर देना है। तो उसके लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगी अनलोड मी। मी आपको पता है कि आपका यूज़र फॉर्म के लिए हम यूज़ करते हैं मी। तो ये हमारा इफ़ पार्ट हो गया। उसके बाद एल्स पार्ट करते हैं। अगर मैंने दोनों वैल्यूज़ सही नहीं दी टेक्स्ट बॉक्स में तो क्या होगा। तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे एक मैसेज डिस्प्ले हो, तो उसके लिए मैं मैसेज बॉक्स यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे लिख देते हैं लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले तो हमारा एक मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगा कि जो आपने लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड फिल किया है वो सही नहीं है। और हम क्या करेंगे कि जो भी टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज लिखी होंगी किसी ने भी वो क्लियर कर देंगे। तो मैं लिखूंगी टेक्स्ट बॉक्स वन इक्वल्स टू ब्लैंक एंड टेक्स्ट बॉक्स टू इक्वल्स टू ब्लैंक और यहाँ पे एंड इफ। तो ये पार्ट हो गया मेरा अपने यूज़र फॉर्म की कोडिंग का। अब आपने यहाँ पे वर्कबुक पे जाना है, वर्कबुक पे डबल क्लिक करना है। यहाँ से आपने वर्कबुक सिलेक्ट करनी है और इधर वाली साइड आपने ओपन सिलेक्ट करना है इसका इवेंट। तो जैसे ही वर्कबुक ओपन हो तो अब हम क्या चाहते हैं, एप्लीकेशन डॉट विजिबल इक्वल्स टू फॉल्स और जो हमारा यूजर फॉर्म है वन डॉट शो। यूजर फॉर्म हमारा जो है वो हमें दिखाई दे। इतना कर लेने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको करना है सेव। पहले मैं यहाँ पे यूजर फॉर्म को यहाँ से हटा देती हूँ, इसका नेम ब्लैंक रख देते हैं यहाँ पे। इसका कैप्शन हम यहाँ पे चेंज करेंगे। तो देखिए ये मेरा यूज़र फॉर्म अब इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब मैं अपनी फाइल को करूँगी सेव। तो फाइल आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नाम दे देती हूँ लॉगिन। और ध्यान रखना है कि जब भी आपने इसको सेव करना है तो हमेशा आप मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में आप इसको सेव करेंगे, बिकॉज जो मैक्रो हमने सेव किया है
ताकि जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करें तो वो मैक्रो भी आपका साथ में रन हो। इसको मैंने सेव किया। सेव कर लेने के बाद अब हम इस पूरी एप्लीकेशन को कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे। मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया है। तो हम यहाँ पे चलते हैं, एक्सेल पे क्लिक करेंगे। तो ये रहा मेरा फाइल, तो मैं ओपन करूँगी। जैसे मैं ओपन करूँगी तो देखिए मैक्रोज हैव बीन डिसेबल। आपने इसको इनेबल करना है। जैसे आप मैक्रो को इनेबल करेंगे तो देखिए आपकी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली क्लोज हो गई है। अब जब तक मैं यहाँ पे करेक्ट लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड फिल नहीं करूँगी तब तक आपकी एप्लीकेशन ओपन नहीं होगी। अब सपोज़ कीजिए मैं कोई और पासवर्ड यहाँ पे एंटर करती हूँ। लॉगिन आईडी मैंने फिल किया एडमिन, और पासवर्ड मैंने ABC फिल कर दिया और इसको लॉगिन किया। तो देखिए ये लॉगिन नहीं हो रहा है, ऑल दो हमारी लॉगिन आईडी सही है, क्योंकि वहाँ पे हमने कंडीशन दी है एंड। एंड के केस में क्या होता है कि आपकी दोनों चीज़ें आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए कंडीशन। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड दोनों सही होंगे तभी आपकी जो एक्सेल की शीट है वो ओपन होगी। तो इसको ओके करेंगे। तो मैं दोबारा से यहाँ पे फिल करूँगी। अब मेरी जो फाइल है वो ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपनी फाइल के लिए यूज़र आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे आपको एक ऐसे ही ट्यूटोरियल में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस।